नमस्कार दोस्तों, शाकारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें 8 किलो का ट्यूमर महिला के पेट से निकला। आइए हम इसके बारे में आपको पहले पूरी जानकारी देते हैं, फिर महिला और डॉक्टर ने क्या कहा ये भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो महिला थी वो पिछले 3 सालों से दर्द से परेशान थी। उसे बहुत दर्द होता था। पैसे की कमी के चलते वो ना अस्पताल गई, उसने ना खुद का इलाज करवाया। और अब जब दर्द हद से ज़्यादा हो गया तो उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत आ पड़ी। तब वो राजावाड़ी अस्पताल पहुंची, जहां पर उसके कुछ टेस्ट किए गए और तब पता चला कि महिला के पेट में एक ट्यूमर है जो बहुत बढ़ चुका है और वो महिला जो है उसको तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसे पता चला कि अस्पताल में कुछ पैसा नहीं लगता है क्योंकि यह एक सरकारी अस्पताल है। यह सुनकर महिला को यह टेंशन तो नहीं हुआ कि अब उसको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन उसको ऐसे लगा कि कहीं फिर ऑपरेशन के बाद मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। ये जो न्यूज़ है ये आपको इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि BMC अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, लेकिन ऐसे नहीं है। ये वीडियो देखकर और सुनकर आपको पता चलेगा कि अस्पताल में इलाज भी मिलता है और साथ में राहत भी मिलती है। जब पोटर ले धोखा था सर, हाँ 4-5 वर्ष झाली लय पोटर धोखा होता, कामाला पण मी जायची आणि मग लय अचानक झालं। मग बहिणीची मुलगी बोलली आपण जाऊया म्हणून इकडे राजेवाडीमध्ये। असं दुसऱ्याकडून लय त्रास व्हायचा, पोट फुगत फुगतच चाललं आतमध्ये, आम्हाला काय माहितीच नाही असं। आणि आता 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 एकदम क्लिअर झालं सर, आता बरं वाटतंय मला। परत कामाला लागणार? हां लागणार ना, परत कामाला लागणार। हाँ, मैं डॉक्टर अजय गुजर, यहाँ का सीधे कंसल्टेंट हूँ राजावाड़ी हॉस्पिटल में। ये मेरे को कंसल्टेंट है और डॉक्टर विद्या ठाकुर हमारी मेडिकल सुपरिटेंड है। यहाँ पे एक बहुत ही गरीब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में जो 35 ईयर्स ओल्ड थी, वो बड़ा ट्यूमर लेके पेट में आ गई। उसका ट्यूमर इतना बड़ा था कि वो काम नहीं कर सकती थी, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकती थी और वो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसी वजह से हम लोगों ने तय किया कि ये इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए क्योंकि ट्यूमर का साइज़ काफ़ी बड़ा था। हम लोगों ने प्री ऑपरेटिव ये पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन किए, करवाए, MRI किए, CT स्कैन किए और ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए। वहाँ पे हमें पता चला कि पेशेंट के शरीर में खून बहुत कमी है, तो हमें लगा इसे जल्दी हम लोग एडमिट करके पहले खून देंगे। उसको प्रिपेयर किया गया, पूरा ऑपरेटिव की तैयारी की गई और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला ये जो ट्यूमर है वो पूरा बड़ा होके अपने जो पेशाब की नली नीचे जाती है किडनी से, वहाँ पे चिपका हुआ है। इनफैक्ट बड़ी आंतड़ी को भी ये ट्यूमर चिपका हुआ था और वो निकालने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे, लेकिन वो अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये ट्यूमर को बहुत अच्छी तरह से निकाल के, कहाँ बाकी के ऑर्गन को इंजरी नहीं करके, ये सर्जरी हम लोगों ने सक्सेसफुली पार की। ये सर्जरी होने के लिए जितना प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव तीनों टाइम का जो मैनेजमेंट था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और लकीली हमारे राजावाड़ी हॉस्पिटल में ये सुविधा सब उपलब्ध होने की वजह से इतना बड़ा ट्यूमर हम लोग यहाँ पर निकाल पाए। ये आज वो पेशेंट सक्सेसफुली ऑपरेट होकर अपने घर जा रही है और इससे हमें बहुत खुशी है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ट्यूमर अभी पूरे अपने जनता में या जनरल पॉपुलेशन में इग्नोर नहीं होने चाहिए। आप कभी भी ट्यूमर आपको कहाँ पे भी बॉडी पार्ट में हो, जल्दी से जल्दी जाके आप बताइए। आपको अगर पैसे का प्रॉब्लम रहेगा तो आप राजावाड़ी जैसे हॉस्पिटल में आइए जहाँ पे हम लोग पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑपरेशन पूरी तरह पे फ्री होता है, तो आप बिना झिझक हमारे पास आइए। आपके कोई भी ऑपरेशन हम लोग एकदम सही तरीके से आपको करके देंगे। इसके लिए आप प्लीज़ ये ट्यूमर को इग्नोर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाइए। ये मुझे आप सबसे विनती है।